नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल, राउरकेला स्टील प्लांट को CSR गतिविधियों के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्राप्त। LDBP विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला आयोजित। और अग्नि नियंत्रण व्यवस्था पर कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की इकाई राउरकेला स्टील प्लांट RSP को अपने निगमिक सामाजिक दायित्व पहलों की प्रभावशालिता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ। पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में निर्णायक मंडली द्वारा सेल RSP को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। उप महाप्रबंधक CSR श्री PM बेहरा ने महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री श्री प्रकाश मंचूभाई मेहता द्वारा 17 जनवरी 2019 को मुंबई के होटल ताज लैड्स एंड में आयोजित 13वें निगमिक सामाजिक दायित्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा गोल्डन पीकॉक अवार्ड समारोह में प्रदान किया। CEO के सम्मेलन कक्ष में 22 जनवरी को आयोजित एक समारोह में RSP की CSR टीम ने CEO श्री अश्विनी कुमार को पुरस्कार प्रदान किया। श्री कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की और कर्मी समूह को प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी। कार्यपाल निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपाल निदेशक वर्ग श्री गौतम बैनर्जी, कार्यपाल निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्रो, महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री MKL चांद, महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री अजय कुमार नायक, श्री PM बेहरा एवं सहायक महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 1951 में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा स्थापित गोल्डन पीकॉक अवार्ड को अब दुनिया भर में सामाजिक उत्कृष्टता का एक मानदंड माना जाता है। गौरतलब है कि RSP इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को असंख्यक तरीकों से छू रहा है। स्टील प्लांट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी और स्वच्छता आदि, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देने वाली कई परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इन बारहमासी महत्वपूर्ण मुद्दों को के अलावा RSP अन्य मुद्दों जैसे खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राष्ट्र मिशनों आदि के माध्यम से भागीदारी, सहभागीदारी और समावेशिता को पर्याप्त प्राथमिकता देता है, जो पार्श्वांचल क्षेत्रों के जीवन शैली में अनेकों परिवर्तन लाया है। लाइम डोलोमाइट ब्रिक प्लांट LDBP विभाग के कर्मचारियों के लिए 18 जनवरी को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित सृजनात्मक सुझाव देने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से एक सृजनी मेले का आयोजन किया गया था। उप महाप्रबंधक प्रभारी LDBP श्री KK मजुमदार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक LDBP श्री बबन, IED के प्रबंधक श्री BK बेहरा, उप प्रबंधक कामिक सुश्री ज्योति ओरिया और विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मजुमदार ने योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से आग्रह किया कि वो प्लांट के साथ साथ विभाग की उन्नति के लिए अधिक से अधिक सुझाव प्रदान कर योगदान है। प्रत्येक सुझावकर्ता को एक प्रतीक उपहार प्रदान किया गया। समारोह के दौरान 100 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। श्री BK बेहरा के सामान्य रूप से पूरे RSP में तथा विशेष रूप से LDBP में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति पर विचार से कहा। प्रारंभ में LDBP इलेक्ट्रिकल के सहायक महाप्रबंधक श्री TT साहू ने कर्मी समूह का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि वरिष्ठ ऑपरेटिव LDBP श्री KK मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आग की रोकथाम और अग्निशमन के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत अग्नि नियंत्रण प्रबंधन पर मानव संसाधन विकास केंद्र में 21 एवं 22 जनवरी को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में RSP के विभिन्न विभागों के 31 कर्मचारियों ने भाग लिया।
सत्रों के सैद्धांतिक पहलुओं और केंद्रीय अग्निशमन केंद्र पर विभिन्न अग्निशमन उपकरणों और तकनीकों के उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। अन्य विषयों में आग की प्रक्रिया, विभिन्न शमन मीडिया, आग जनित चोट प्रबंधन, सामान्य स्वास्थ्य संकेत, आग की रोकथाम, स्थायी अग्निशमन की स्थापना, फायर डिस्टिंक्शन अलार्म प्रणाली, घर में आग सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, प्रदूषण एवं नियंत्रण, गैस सुरक्षा और श्वास संबंधी सुरक्षात्मक उपकरण शामिल था। सत्र का संचालन अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों की एक टीम ने किया। सहायक प्रबंधक HRD श्री एल मरांडी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।